हेलो स्टूडेंट्स लेयर थ्री एजुकेशन वेलकम्स यू आज के सेशन में हम इंग्लिश पैडागोजी के टेन क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम टेन क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं तो उसी सीरीज़ को आज फिर से हम कंटिन्यू करते हैं तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर एक्विजिशन ऑफ वॉकबलरी इज़ फर्स्ट ऑप्शन क्रैमिंग मोर वर्ड्स सेकेंड ऑप्शन लर्निंग वर्ड्स इन टोटलालिटी एंड यल्डिंग द पावर टू यूज़ देम इफेक्टिवली लर्निंग बिग वर्ड्स और ऑप्शन डी इज लर्निंग वर्ड फैमिलीज तो सबसे पहले आप देखिए कि पूछा क्या गया है एक्विजिशन ऑफ वर्ड वॉकेबलरी किसी भी वॉकेबलरी को एक्वायर करना ग्रहण करना क्या होता है दो चीजें आती है देखो एक चीज आती है हमारी एक्वायर करना किसी भी चीज को ग्रहण करना और एक आती है किसी भी चीज को लर्न करना ठीक है तो अब वॉकेबलरी को आप एक्वायर करना चाहते हैं ग्रहण करना चाहते हैं कैसे ग्रहण करना वो चीज होती है कि वॉक्यब्लरी के जो भी शब्द आपने सीखे उसको आप अपनी लाइफ में यूज कर पा रहे हैं क्योंकि नॉर्मली अभी की जो वॉक्यबलरी की यदि हम बात करें तो वो वॉक्यबलरी हम क्या करते हैं लर्न करते हैं अब लर्न ऐसे करते हैं कि उनको रट लेते हैं कि हाँ चलो एग्जाम में पूछा गया कि इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है तो हम आंसर लगा देंगे लॉकेस्ट का मतलब क्या होता है तो हम आंसर लगवा देंगे नहीं आपको क्या करना है उसको रियल लाइफ में यूज करना है मतलब आपको क्या करना है उसको एक्वायर करना है तो राइट आंसर पर क्या कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा सॉरी टू यूज इफेक्टिवली कोई भी वर्ड आप ऐसे लर्न करो कि आप उसको बहुत इफेक्टिव वे में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाओ तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहला क्यों गलत हुआ वो भी हम देखेंगे क्रेमिंग मोर वर्ड्स शब्दों को रटना वॉकेबलरी को एक्वायर करना होता है क्या गलत है क्या बड़े बड़े शब्दों को याद कर लेना ये भी गलत है और वर्ड फैमिली को याद कर लेना क्या एक्विजिशन ऑफ वॉकेब्लरी कहलाएगा तो ये चीज़ भी गलत है तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन बी किसी भी तरीके के और भी आपको कोई क्वेश्चन दिखते हैं ना तो वहाँ पर आप देख लो कि आप उसको रियल लाइफ में डेली लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो आपको सीखने में मदद मिल रही इस तरीके के ये हमारे ऑप्शन है ये हमेशा सही होते हैं क्योंकि कोई भी हम पढ़ाई करते हैं तो उसके पीछे का एक लक्ष्य माना जाता है एक पीछे का मोटो माना जाता है वो ये रहता है कि आप उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ें, रियल लाइफ में आप उन चीजों का यूज कर पाए तभी आपकी शिक्षा सफल मानी जाती है ठीक है तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं लैंग्वेज इज़ नॉट लैंग्वेज क्या नहीं होती है सोशल आर्बिटरी सिंबॉलिक और इंस्टेंटिव तो लैंग्वेज एक तरीके से आर्बिटरी नहीं होती है तो लैंग्वेज क्या होती है ये एक आप बन सकता है कि लैंग्वेज एक सोशल रिप्रेजेंटेशन होता है कम्युनिकेशन करने का एक मीडियम होता है तो लैंग्वेज सोशल हो सकती है लैंग्वेज सिम्बोलिक हो सकती है अब किसी भी सिंबल के माध्यम से आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं लैंग्वेज को याद कर सकते हैं इंस्टेंटिव इंस्टेंटिव मतलब कि एक सडन रिएक्शन जैसे कि आप गिर जाते हैं तो आपके मुंह से आ ओ ऐसे ओ मम्मा ऐसे कुछ निकलता है तो आपका लैंग्वेज कोई शब्द निकला है मतलब कोई भाषा निकली है ठीक है तो वो क्या हो गई हमारी लैंग्वेज इंस्टेंटिव हो गई सिम्बोलिक एक सिम्बोलिक वे में भी आप लैंग्वेज को ग्रहण कर सकते हैं और सोशल वे में भी कर सकते हैं तो लैंग्वेज क्या नहीं है लैंग्वेज आर्बिटरी नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज चिल्ड्रन कैसे लैंग्वेज को लर्न करते हैं अ प्रोफिशन लैंग्वेज टीचर इनहिबिशन मोटिवेशन या फिर अ गुड टेक्स्ट बुक तो कोई भी बच्चा किसी भी भाषा को कैसे ग्रहण करता है कैसे एक्सेप्ट करता है तो विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन के थ्रू कर सकता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में यदि बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को यदि अभिप्रेरणा मोटिवेशन मिलता है तो इसके थ्रू बच्चा है जो है किसी भी भाषा को किसी भी चीज़ को अच्छे से लर्न कर सकता है अच्छे से सीख सकता है तो राइट right आंसर पर ऑप्शन नंबर सी होगा नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है किसी भी भाषा को सेकेंड भाषा को जो दूसरी लैंग्वेज रहती है उसको ग्रहण करने का इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है पहला ऑप्शन है आपके पास इज यूज एज द बेसिक फॉर डिस्कसिंग ग्रामर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सेकेंड ऑप्शन इज दैट इन्वॉल्व पीरियोडिक रिविजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स थर्ड ऑप्शन है इन्वॉल्व मोस्टली सेल्फ स्टडी बाई स्टूडेंट यूजिंग सर्टन गाइडलाइंस और ऑप्शन डी है इज़ प्रैक्टिस इन सिचुएशन फेमिलियर टू द स्टूडेंट तो वो ही जैसे हमने बात की थी कि जो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज है एलवन हो या फिर सेकेंड लैंग्वेज हो किसी भी भाषा को ग्रहण करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसको आपको आपकी डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा तो आपको कभी भी ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख जाए कि प्रैक्टिस करनी है डेली लाइफ में यूज़ करना है ठीक है मतलब कि आपकी रियल लाइफ से चीजें कनेक्टेड हो कनेक्टेड टू रियल लाइफ इस तरीके का यदि आपको ऑप्शन दिखे ना तो आपका आंसर वहीं पर ही होगा ठीक है तो अभी हमसे यही पूछा था इस प्रैक्टिस इन सिचुएशन फैमिलियर टू द स्टूडेंट बच्चे ऐसी जगह प्रैक्टिस करे ऐसी सिचुएशन बनाए टीचर कि वो बच्चों को काफ़ी फैमिलियर लगे मतलब उनसे परिचित लगे तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है तो जैसे कि वन टू थ्री क्यों गलत हुआ वो भी अपन देख लेते हैं द बेसिक बेसिक फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट करने से बच्चा को समझ आ जाएगी क्या चीज़ें गलत है इन्वॉल्व पीरियोडिक रिविजन क्या सिर्फ रिविज़न करने से बच्चों को चीज़ें समझ आ जाएगी या फिर इन्वॉल्व मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय द स्टूडेंट यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस क्या सेल्फ स्टडी करने से बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा ऐसे तो फिर वो टीचर की गाइडलाइन से भी कर लेता या फिर चीज़ों को क्रैमिंग करके रट के भी कर लेता तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाती है राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज जब इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है तो दे शुड रीड फर्स्ट दे शुड बिगेन विथ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज औरली दे शुड बिगेन राइटिंग फर्स्ट तो देखो इसमें क्या होता है सबसे पहले जब भी हम इंग्लिश को एज़ अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं क्योंकि कोई भी बच्चा जो हो गया हमारे यहाँ पर जैसे हम क्या बोलते हैं यदि मैं एम की बात करूँ तो मालवी में बच्चा घर पर बात करता है स्कूल में जाकर वो इंग्लिश सीखता है ठीक है या फिर हिंदी में यदि कोई नॉर्मल बच्चा घर पर बात कर रहा है तो इंग्लिश जाकर वो स्कूल में ही सीखेगा तो हिंदी उसके लिए प्राइमरी लैंग्वेज एलवन या फिर नेटिव लैंग्वेज का कार्य कर रही है और इंग्लिश उसके लिए सेकेंडरी लैंग्वेज का कार्य कर रही है तो इसको देखो ऐसे डिफाइन किया हुआ है कुछ इस तरीके से हमारे पास दो चीज़ें आती है एक आता है L1 और एक चीज़ होती है हमारे पास L2 ठीक है इसको मैं इसे डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ L1 हमारी प्राइमरी लैंग्वेज होती है और जो L2 होती है वो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज होती है प्राइमरी लैंग्वेज में क्या होता है कोई भी हमारी नेटिव लैंग्वेज हो जो हम घर पर बात करते हैं जो हम हमारे फैमिली फ्रेंड्स और जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनसे सीखते हैं और एल्टू को हम किसी ट्यूटर की हेल्प से या फिर किसी इंस्टीट्यूट की हेल्प से सीखते हैं तो एल्टू को हमें क्या करना पड़ता है लर्न करना पड़ता है सबसे मेजर चीज जो इसमें आती है कि L1 को तो आप क्या कर लेते हैं L1 को एक्वायर कर लेते हैं ठीक है ठीके? L1 को आप क्या कर लेते हैं कर लेते हैं L2 को आपको क्या करना पड़ता है किसी की मदद से सीखना पड़ता है ठीक है तो L1 को क्या किया जाता है एक्वायर किया जाता है और L2 को क्या किया जाता है लर्न किया जाता है लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था

कि किस तरीके से किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाया जा सकता है तो देखो वो चार कॉन्सेप्ट कौन से हैं उनको भी अभी साथ के साथ हम देख लेते हैं देखो पहला जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एल एस आर और डब्ल्यू ये टोटल चार कॉन्सेप्ट है और शुरुआत इनकी यहीं से होती है नंबर वन नंबर टू नंबर एंड सुनना एस फोर होता है स्पीकिंग यानी कि बोलना ओरली किसी भी चीज को बोलना आर फोर रीडिंग मतलब पढ़ाई करना पढ़ना चीजों को ठीक है जो भी लिखा हुआ उसको आप पढ़ो और डब्ल्यू फॉर राइटिंग मतलब कि लिखना तो सबसे पहले लिसनिंग जो भी टीचर बोल रहा है आप उसको सुनो फिर आप क्या करो उसको बोलने का प्रयास करो ठीक है सुनने और बोलने का काम हो गया अब आप उसको पढ़ो जो भी टीचर ने पढ़ाया बुक में आप उसको पढ़ो और उसके बाद आप लिखने का प्रयास करो तो ये चार प्रॉपर स्किल्स होती है आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है कि एक प्रॉपर मैनर में इसको अरेंज करो तो पहले आपको स्पीकिंग दे देगा फिर राइटिंग फिर लिसनिंग दे देगा तो आपको याद रखना है एल एस आर डब्ल्यू सबसे पहले लिसनिंग आता है देन स्पीकिंग देन रीडिंग देन राइटिंग ठीक है चलो अब आगे बात कर लेते हैं देखो अ टीचर इन अ रूरल एरिया फाइंड्स मोर देन फाइव लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन बाय चिल्ड्रन इन हर क्लासरूम शी अटेम्प टू यूज ऑल द लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन इन हर टीचिंग व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी नोन इज ट्रांसलेशन सब्सट्रैक्टिव बायलिंग्वलिज्म ट्रांसलैंगिज्म या फिर मल्टी अब आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि एक टीचर है जो कि एक ऐसे एरिया में गई है जहाँ पर फाइव लैंग्वेजेस बिंग स्पोकन बाय द चिल्ड्रन इन हर क्लासरूम मतलब कि उस क्लासरूम में पांच से ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे हुए हैं ठीक है थीके? जिनको टीचर को पढ़ाना है शी अटेम्प्ट्स टू यूज़ ऑल द लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन इन हर टीचिंग मतलब वो क्या कर रही है इन सारी भाषाओं का प्रयोग करके पढ़ा रही है और बहुत अच्छे से क्लास को मैनेज कर रही है तो उसने जिस स्ट्रेटी को फॉलो किया है उसे आप क्या बोलेंगे उसे हम बोलते हैं मल्टी लैंग्वेलिज्म क्योंकि टीचर के सामने ऐसी सिचुएशन हर बार क्रिएट होती है कि बच्चे जो है टीचर की भाषा को नहीं जानते टीचर बच्चे की भाषा को नहीं जानते तो आप टीचर कैसे बोल सकते कि हैंडल करेगा ऐसी सिचुएशन को तो टीचर क्या करेगा पहले तो वो भाषा सीखेगा ठीक है बच्चों से कहीं से भी वो भाषा सीखेगा और उस भाषा का प्रयोग कुछ इस तरीके से करेगा कि दूसरे बच्चे भी वो भाषा सीख जाए क्योंकि हम देखते हैं ना कि ये एक दूसरे से भेदभाव वाली भावना ऐसे ही तो क्रिएट होती है तो यहाँ पर टीचर इस जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसका फ़ायदा उठाकर क्या कर सकता है बच्चों को एक दूसरे के प्रति बोल सकते कि एक धार्मिक जो भावना होती है अच्छी भावना जो होती है वो पैदा बच्चों के अंदर कर सकता है तो इस स्ट्रैटेजी को बोला जाता है मल्टी लिंग्वलिज्म जहाँ पर एक टीचर जो है ऐसी कभी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पर अलग अलग भाषा अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं उन सभी को एक साथ बैठ पढ़ा रहा है और उन्हीं के द्वारा प्रयोग की गई भाषाओं का प्रयोग करके टीचर वापस बच्चों को सिखा रहा है और दूसरे बच्चों को भी दूसरी भाषाएं जो है वो सिखा रहा है उसे बोलते हैं मल्टी लिंग्वेलिज्म इंग्लिश कहाँ से बिलोंग करती है तो इंग्लिश बिलोंग करती है इंडो यूरोपियन फैमिली को ठीक है इंग्लिश कहाँ से आई है तो इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली से आई है लैंग्वेज क्या होता है तो लैंग्वेज एक तरीके का सिस्टम होता है जिसे हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये एक पूरी एक डेफिनेशन है तो हमसे ऑप्शन में दिया गया था ग्रुप ऑफ वर्ड और सेंटेंस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम तो लैंग्वेज एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसे हम कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? तो लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड एबिलिटी टू यूज सम ऑफ इट्स बेसिक स्किल उसे हम क्या बोलते हैं तो ये पूरी परिभाषा है उसको दिया गया है देखो पहले जो परिभाषा थी वो ये थी लैंग्वेज इज अ सिस्टम विच इज़ यूज टू विच इज़ यूज इन द एबिलिटी टू एक्वायर एंड एबिलिटी टू यूज़ सम ऑफ इट्स बेसिक स्किल ठीक है तो ये क्या चीज़ कहलाएगी ये कहलाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन अब इसके अंदर पूरा इसको लाइन को अच्छे से समझो कि ये क्या दे रहा है हमें और हमसे पूछा क्या है उसने पहला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेवन लैंग्वेज एक प्रकार का सिस्टम होता है ठीक है उसके बाद हमसे पूछा कि लैंग्वेज इज़ द एबिलिटी ये एक प्रकार की एबिलिटी होती है जो एक्वायर की जाती है मतलब ग्रहण की जाती है और एक प्रकार की एबिलिटी होती है जो हम किसी बेसिक स्किल में इसका यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम कम्युनिकेशन को आसान बना सकते हैं तो ये जो लैंग्वेज है ये क्या करती है जैसे कि हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो बात करने के लिए दो लोगों के बीच में बात करने के लिए कैसे बात करेंगे इशारों में बात करेंगे या फिर आ, कुछ बोलकर यानी कि किसी भाषा का प्रयोग करके तो वो ही यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लैंग्वेज एक प्रकार की एबिलिटी है जो एक्वायर करती है और किसी भी बेसिक स्किल का यूज़ करके किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को आसान बना देती है ठीक है तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेट ऑफ स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड तो इंग्लिश एक प्रकार की हेरिटेज लैंग्वेज है ये गलत है हम इंग्लिश को नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं इंग्लिश को हम फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हैं और इंग्लिश को हम सेकेंड लैंग्वेज भी कंसिडर कर सकते हैं ठीक है तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया इंग्लिश एज अ हेरिटेज लैंग्वेज मतलब इंग्लिश कोई धरोहर वाली हमारी पुरानी धरोहर है जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती जा रही है ऐसा कुछ नहीं है तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन है एन असोसिएट विच इज़ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया मतलब इंग्लिश का इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है तो इंग्लिश को एन असोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है फॉरेन लैंग्वेज भी हम बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमको दिया हुआ है एज अ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्योंकि आप मेघालय और इन जगह की बात करोगे ना तो वहाँ पर लोग इंग्लिश में ही बातचीत करते हैं तो इंग्लिश को हम एसोसिएट करते हैं मतलब इंग्लिश को हम मानते हैं एज अ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है हिंदी में बातचीत करते हैं मातृभाषा हिंदी है लेकिन हिंदी के साथ एक एसोसिएट मतलब उसके सपोर्ट में हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं हिंदी के बाद हम किसका यूज़ करते हैं इंग्लिश का तो इंग्लिश हमारे लिए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है ओके चलो आगे बात करते हैं प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स कैन इनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट मतलब स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करे जो कि उनको इंकरेज करे सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने में उसको ग्रहण करने में सेकेंड लैंग्वेज मतलब कि एक तो उसकी जो घर में बोलने वाली भाषा है वो होती है हमारी प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज होती है जो वो किसी इंस्टीट्यूट किसी की मदद से सीख रहा होता है तो स्टूडेंट को हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए पहला ऑप्शन है द अपॉर्चुनिटीज़ टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड द प्रॉब्लम टू सॉल्व इन द टारगेट लैंग्वेज फ्रीकुन फीडबैक ऑन स्पोकन एंड राइटिंग रिटर्न आउटपुट और तीसरा है इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ और चौथा ऑप्शन है आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो आप हो हो. तो देनी होगी जिसकी वजह से वो कोई भी क्वेश्चन है उसका अराइज कर सके और किसी भी समस्या का वो समाधान कर सके किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके ठीक है अपनी टारगेट लैंग्वेज में क्योंकि इसमें स्पेशलिस्ट ने मेंशन भी किया हुआ है इन द टारगेट लैंग्वेज तो राइट right आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन सिर्फ ग्रामर का नॉलेज देकर इंटरव्यूज़ करवा कर फीडबैक कर कर, देकर तो हम किसी भी भाषा को नहीं सिखा सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों को अवसर देना होंगे तो द अपॉर्चुनिटीज़ टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड टू प्रॉब्लम सॉल्व इन द टारगेट लैंग्वेज अब कौन सी भी लैंग्वेज हो, हो, हो सकती है इंग्लिश हो सकती है स्पेनिश हो सकती है फ्रेंच हो सकती है कोई भी लैंग्वेज वॉट एवर जो भी लैंग्वेज वो वहाँ पर बच्चा सीखना चाहता है अगला क्वेश्चन देखिए इज़ अ प्री रिक्वेस्टिव टू लर्न लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक सबसे बेस्ट प्री रिक्वेस्टिव आइडिया क्या हो सकता है तो सबसे बेस्ट आइडिया हो सकता है मोटिवेशन ऑप्शन आप देखो नॉलेज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग सिर्फ वर्ड का मीनिंग पता करने से हमें कोई भी लैंग्वेज आ जाएगी क्या ग्रामर का नॉलेज होने से या फिर स्टोरी पढ़ने से हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं क्या बिल्कुल नहीं हमारे अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए एक प्रकार का मोटिवेशन होना चाहिए चलिए अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है आपको कमेंट करके बताना है इसको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग लिसनिंग फॉर मूड एंड टोन लिसनिंग फॉर वर्ड्स स्ट्रेस एंड एम्फेसिस या फिर लिसनिंग फॉर फाइंडिंग आउट एटीट्यूड तो इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है ये आपका आज का होमवर्क है आपको आंसर करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा ओके okay, चलिए तो ये होमवर्क हो गया और यदि आप हमारा इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें डबल नाइन देखो इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है सीडीपी का कोर्स अवेलेबल है मैथ्स का कोर्स भी अवेलेबल है और फुल कोर्स यदि आप चाहते हैं जिसके अंदर आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ सब कुछ चाहते हैं लाइव वीडियो क्लासेस चाहते हैं तो आप हमें डबल नाइन डबल सेवन सिक्स फाइव वन टू एट टू पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी ठीक है डबल नाइन डबल सेवन सिक्स फाइव वन टू एट टू आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में और भी सारी डिटेल आप जो भी हमारे इंस्टीट्यूट से प्राप्त करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग